हाँ जी शुरू करें, 3, 2, 1 ये लो हो गया शुरू। हमारा टॉपिक क्या आज? टॉपिक जो बना लो यार, इतने सारे मौजू है बात करने के लिए। मौजू आइन के साथ, मौजू मौजू आइन के साथ, आइन के साथ, आइन के साथ, आइन के साथ। ये क्या है? ये हेयर स्प्रे मेरा जस्ट से मई। यस नाइस। और ये क्या है? ये मेरा परफ्यूम है, परफ्यूम। ये तुमने कार फ्रेशनर के तौर पे रखा हुआ है? ये जेन्युइन नहीं, ये मेरा जेन्युइन परफ्यूम। क्या हो गया? Nice. अच्छा है, ब्रांड नहीं दिखाना भाई, मैं छुपाता हूँ लोगों से, कॉपी कर लेते हैं मेरा परफ्यूम। हर बंदा यूज कर रहा होता है सच में। और क्या निकलेगा यहाँ से? ये दो चीजें निकल आई, अब हैंड क्रीम भी निकलेगी। हैंड क्रीम भी है मेरे पास, बाकी मैं हैंड क्रीम वाला बंदा है। चले और क्या दिखाओ, और क्या दिखाओ, ये देख वो मेरी गाड़ी तो बच गई। ये भी है मेरे पास। तुमने तो पूरी बॉडी में स्प्रे और कुछ नहीं भाई, ये भी बहुत सामान है। क्यों इतना सब क्यों? अभी सर अपना ख्याल रखते हैं यार, तो चीजें रखनी पड़ती है ना। आप सारा दिन धूप में घूमे, मीटिंग हो किसी के साथ, आप जाएं तो थोड़ा सा यू नो। वैसे मैंने बहुत कम लड़कों के पास इतना लवाजमात, इतने लवाजमात देखे। चलो बेसिक है यार, परफ्यूम तक समझ में आता है अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपका काम है गाड़ी चलाने का, मीटिंग्स में जाने का, लोगों से मिलने का, परफ्यूम तक तो समझ में आता है। बल्कि परफ्यूम का तो फायदा ही होता है ना, क्योंकि लड़कियों मैंने सुना अक्सर नहाते नहीं है, 3-4 दिन खींच लेते हैं सेम जीन सेम शर्ट, तो परफ्यूम से वो काम। मैं कुछ हद तक तो उससे अग्री करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन तक नहाते नहीं है। हाँ अगर हम कहीं बाहर गए हैं, कहीं एक जीन्स के साथ 2-3 दिन गुजार दिए हैं तो ठीक है। बेटा लड़के जीन्स में महीने गुजारते हैं 1-2 दिन। यार वो एक अलग चीज है, सच बोलो प्लीज, डोंट डिफेंड योर जेंडर। नेशनल ज्योग्राफिक की मैं अगर डॉक्यूमेंट्री पे जा रहा हूँ तो मैं पहन सकता हूँ जीन्स एक एक महीना, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा पूरा इतना बुरा नहीं होता होगा, उसको अपने आप से भी तो स्मेल आएगी ना यार। नहीं आती, यही तो मसला है। अबे भाई उसके बाद तो उसके परफ्यूम लगाने के थोड़ी देर के बाद आपको खुद नहीं एहसास हो रहा होता कि आपकी परफ्यूम की स्मेल कैसी है, जबकि लोगों को अच्छी तरह से पता चला होता है कि आपने परफ्यूम लगाया हुआ है। फिर आप क्या करते हैं, आप भर भर के और लगा रहे होते क्योंकि आपको नहीं, मुझे नहीं आ रही, बट बाय द टाइम आप इतना सारा परफ्यूम लगा चुके होते ना, अगर आप बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं तो ऊपर 4th में पता चल जाता है कि आप आ गए, ऐसा भी होता है। बट यार देख मेरा ख्याल है कि इतना तो बेसिक होना चाहिए यार, आपको बॉडी मिस्ट आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक परफ्यूम होना चाहिए गाड़ी में, या अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं तो आपके लैपटॉप के बैग में, या जो भी आप एक हैंड बैग कैरी करता है। यार मुझे लगता है सुपरफिशियली लोगों में एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि आई नीड टू स्मेल गुड टाइप, क्योंकि अब यू नो इंस्टाग्राम का जमाना है। Instagram पे स्मेल का क्या? नहीं नहीं, एज इन आप देखते हो ना लोगों को हाउ दे कैरी देमसेल्फ, एक स्टाइल होता है, हैशटैग सुंगना भी होता है। अच्छा चल बोल, कंफ्यूज कर दिया तुमने मुझे। अच्छा चल बोल, मतलब एक स्टाइल आपको दिख रहा होता है ऊपर ऊपर का, अंदर क्या कहानी है आपको नहीं पता, राइट? सही है। तो लोगों में शायद एक कॉन्सेप्ट ये आ गया है कि नहाए नहीं नहाए, बस ऊपर से सही लग रहे हो, कवर अप हुआ हुआ हो, आते के साथ स्ट्रॉन्ग वाली ना स्मेल आपके साथ एंट्री कर जाए किसी जगह पे, एक इम्प्रेशन पड़ जाए काफी है। अब आपके मोजे मैले हैं अंदर से, पैरों में पसीना आ रहा है, चलो सिचुएशंस भी होती है, आपकी बगलों में सांप मर जाए बदबू से, अल्लाह माफ करे। ये मैंने ये मुहावरा कभी नहीं सुना, ये कोई मैं बना रहा हूँ ना, मैं भी मैंने क्रिएट किया। बगलों में सांप क्यों जाएंगे? हैशटैग बगलों में सांप क्यों जाएंगे? मर गए, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मुहावरा बता रहा हूँ कि भाई मतलब सांप सेटल भी हो चुके थे, नहीं पहले जंगल निकला फिर सांप पैदा हुए फिर सेटल हुए फिर मर गए। तूने एक्चुअली पूरा सही बोला है, वापस बोल। जंगल में सांप पैदा हुआ मर भी गए, एक्चुअली तूने सही बोला। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मेरी मेंटल हालत पे ना लोगों को मैं सही बता रहा हूँ, ये तू सही बोल रही है, ऐसे ही बोल, हम ऐसे ही बोलते हैं और बात बन जाती है। मैं एक्चुअली मैं मर्दों की बात करूँ ऐसा ही होता है, कुछ लोग ऐसे ही हैं, ऊपर ऊपर से आपने परफ्यूम लगाया और आप कितने दिन से नहीं नहाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मजे की बात तुझे एक और बताऊं मैं, उनको खुद एहसास ही नहीं होता किस बात का कि हमारा क्या हाल हुआ है। उनके आसपास वालों को होता है लेकिन अगर वो मैरिड है, अगर वो मैरिड है आई एम सॉरी बट वो बहुत ही गलत कर रहा है अपनी बीवी के साथ। और जिस एज की हम बात कर रहे हैं, एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये वो एज ग्रुप भी नहीं है जहाँ पे आप टोकते रहें। हाँ, you know, आपके साथ वाले आपको टोके यार, I'm sure उसको बुरा लगेगा, उसकी ईगो भी तो हर्ट होगी। बिल्कुल, oh my God, और मेरी साथ वाले used to भी हो जाते हैं। हाँ, साथ वालों को तो मसला ही नहीं होता ना, जैसे वो मैंने वो
आई एम सॉरी आई डोंट मीन टू इंसल्ट एनीबडी, लेकिन मैंने देखा है बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, यू नो ब्यूटीफुल छोटा सा हेडबैंड लगाया हुआ है, प्यारी सी फ्रॉक पहनी हुई है, बट आप करीब जाते हो एंड यू वॉन्ट टू टेक द बच्चा फ्रॉम द पेरेंट्स एंड सडनली यू हैव दिस विफ ऑफ अ स्मेल जो आपको अच्छी नहीं लगती है और आपको समझ में आता है कि ओह नहीं बच्चा नहीं लेना, कहीं से कुछ लीक ना हो जाए, यू नो पेरेंट्स के लिए बड़ी नॉर्मल बात है, बच्चा फुल ऑफ इमोशंस होता है, फुल ऑफ इमोशंस तो खैर अब बच्चों के इमोशंस तो डायपर्स में होते हैं ना, फुल ऑफ समथिंग एल्स भी हो जाता है बिकॉज़ टाइमली डायपर चेंज हुआ होता है, एग्जैक्टली, तो अब पेरेंट्स तो साथ में होते हैं, उनको तो यूज्ड टू हो गया, उनको तो अपने बच्चे की महक महक लगेगी ना, जाहिर सी बात है, अब मेरा बच्चा तो नहीं है जो मैं बोलूं हाय अल्लाह, तो साथ में रहने वाले लोग ना यूज्ड टू हो जाते हैं आपकी सारी इन वाली फ्लॉज के साथ, दे लर्न टू लिव. मसला ये आता है जब आपकी सोशल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ रिस्क पे आती है, आप ऑफिस में जाते हो, शायद लोग मुरव्वत में ना बोल पाए लेकिन आपके पीछे शायद बोल रहे होंगे कि यार इस बंदे के साथ ये मसला है, ये आता है, यू नो लोग ऐसे हो जाते हैं. होता है यार, मैं बताऊँ, मैं एक जगह पे काम करता था, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान में ब्रांड अच्छा बहुत बड़ा ब्रांड था टेलीकॉम का, वो अच्छा जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ गए होंगे, वहां पर नहीं हिंट नहीं, वहां पर एक खातून थी, ठीक है, वो अगर हमारे साथ बैठी थी, मैं सच बता रहा हूँ प्लीज, ये है, ये इसमें कोई जेंडर का मसला नहीं है, ये रिगार्डलेस ऑफ जेंडर इश्यूज हो सकते हैं, ये किसी भी इंसान का मसला हो सकता है, वो खातून से ऐसी स्मेल आती थी, आई एम सॉरी, खाना खाने से पहले की बात कर रहा हूँ, वो तो बिरयानी की कौरमे की खुशबू तो हम पाकिस्तानी इंडियन में भरी पड़ी है, वो तो अलग ही बात है, लेकिन इतनी बुरी, क्या बोलूँ मैं इसको, इतनी पसीने की बुरी बदबू होती थी कि हम लोग वो जो रसासी के जो पाकिस्तान में बॉडी स्प्रेज मिलते हैं ना, वो साथ में नीचे रखते थे, तीन चार सस्ते वाले, ज्यादा महंगे वाले भी खर्च नहीं करते थे, पाकिस्तान में रसासी की भी कॉपी मिलती है, जी हाँ, वो कॉपी, हाँ, पे वो वाली भी है, हाँ, exactly. It's very expensive, हाँ, तो, रसासी की भी कॉपी मिलती है पाकिस्तान, उसी कॉपी की बात कर रहा हूँ मैं, 200 रुपए वाले बॉडी स्प्रेज की, वो तीन चार रखते थे और वो जब हमारे पास बैठी हूँ, क्योंकि हम साथ में लाइन से बैठते थे, तो हमें स्प्रे करना पड़ता था बार बार स्प्रे करना पड़ता था, और मजे की बात, क्योंकि वो एक सर्विस सेंटर था तो एयर कंडीशन माहौल था पूरा, तकरीबन सब तो बता ही दिया मैंने, हाँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर जो वॉकिंग कस्टमर रहते थे, जो वॉकिंग कस्टमर्स थे ना, हाँ। सदफ, हाँ। उन लोगों का ये हाल था, वो धूप में से बेचारे बाइक पे या किसी भी तरीके से आते थे, हाँ। और जब वो एयर कंडीशन में आते थे और ओ हो वो जो महक का भपकारा होता था, भपकारा क्या वर्ड यूज किया मैंने, आपको नहीं पता आपके क्या इश्यूज हैं, देखो मैं वही जा रही हूँ, कुछ लोगों के मेडिकल इश्यूज होते हैं, उन्हें इम्यूनिटी मिल जाती है अपनी खुद की स्मेल से, और मसला ये है कि उनके आसपास के लोग भी यूज्ड हो चुके होते हैं तो वो भी नहीं रोक पा रहे होते हैं, ये परफ्यूम्स रखने तक की तो बात मैं समझ सकती हूँ कि एक तरीके का था ऑफिस में चीजों को मैनेज करने का, उससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था इस सिचुएशन को हैंडल करने का, यार हमने इनडायरेक्टली बोला भी है, सॉरी बट डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, इनडायरेक्टली से मुराद के नो क्या क्या स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या स्मेल है, तुझे उसका नाम नहीं लेना मैं, लेकिन तुझे आ रही है क्या, तो नहीं मुझे तो नहीं आ रही, तो हम फिर बोलते थे यार पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रही है, और हर बात रिपीट करके बार बार बोलते ताकि उस तक ये मैसेज पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचा, लेकिन उनका हाल वही था, और भाई ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या किया पता, इंग्लिश टेलकॉम पाउडर आता था वो झाड़ लिया अपने ऊपर, तो ऐसा लग रहा था आटे में मुंह डाल के आ गई, अच्छा आई विल गिव लिटिल मार्जिन टू सम पीपल कि शायद वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हाइजीन अफोर्ड भी नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, अगर आप बारे में बात कर रहा हूं मैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पानी ही दिन में शाम में एक दफा आता है, उसके अलावा टंकी भरती है और उस टंकी के पानी से खाना पकता है, घर के चार लोग नहाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी हाइजीन हालात की वजह से क्वेश्चनेबल हो जाए, मैं जहां की बात कर रहा हूं, कपड़े नहीं धुले हुए, जी जी आप बिल्कुल सही करिए, मैं एग्री कर रहा हूं, मार्जिन देना चाह रही हूं, हर कोई शौक से गंदा मैला नहीं पड़ता, वहां नहीं दे सकता, ओके, वहां इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वहां पर जो सैलरी थी वो आज से 10 साल पहले भी उतनी अच्छी सैलरी थी जितनी आज किसी को नहीं मिल रही, ठीक है, इवन उस टेलीकॉम में भी नहीं मिल रही, नहीं दे रहा कोई, ठीक है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में किसी को सैलरी नहीं मिली जितनी सैलरी उनकी थी जहाँ हमारी थी, ठीक है, तो मसला ये भी नहीं था, एक प्रॉब्लम है आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते,
बहुत सारी चीजें हैं यार, आप अपना वेट कम नहीं करते, ये इश्यू शुरू से है ही क्यों? स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, घरों में कल्चर नहीं है एजुकेट करने का, काम चल जाता है तो चलने दो, क्या मसला क्या है यार? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज है, जो आज हम बात कर रहे हैं पहले तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन अगर कोई देख ले ये वीडियो भाई तो प्लीज इतनी आपको समझ आनी चाहिए। एक बेसिक चीजें बताओ ना यार, टिप्स बताओ क्या क्या है, तीन चार चीजें बेसिक जो होनी चाहिए एक बंदा या एक बंदी के पास हर वक्त, उसको पता होना चाहिए कि ये चीजें मुझे अप्लाई करनी है, ये चीजें मुझे अपने साथ रखनी है, इसके किए बगैर मुझे घर से बाहर नहीं निकलना। इसे कपड़े पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकलते ना, हवा लगती पता चल जाता ना, इसी तरह से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने ये नहीं किया। बताओ क्या चीजें, क्लास कंडक्ट करूं? हां जी बता, मुझे चार चीजें बता बेसिक, बेसिक हाइजीन क्या है? छोड़ दो प्यारे बच्चों, बड़े बच्चों और छोटे बच्चों, सुबह उठते के साथ ही अगर आप नहार मुंह कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि सिरका पीना या चाय पीना या कॉफी पीना या कुछ भी खाना, उससे बाद घर से निकलने से पहले ब्रश कर लीजिए। टूथपेस्ट आते हैं बहुत सारी वैरायटीज में आते हैं, सस्ता से सस्ता, महंगे से महंगा, मकसद दांत साफ करने का है, यूज कीजिए, बेफिक्र होकर कीजिए। अगर 6 महीने पुराना टूथब्रश आपके पास रखा हुआ है तो उसे फेंक के नया ले लीजिए। बाहर निकलने से पहले एक काम और कीजिएगा, क्योंकि आसान होगा, परफ्यूम लगा के निकले। और उससे पहले एक और काम है इन ऑर्डर कि नहा लीजिए। नहा लेंगे तो परफ्यूम का खर्चा शायद थोड़ा सा बच सके, लेकिन थ्रू आउट द डे देखते रहिए कि आपको दोबारा नहाने की जरूरत तो नहीं है। अगर है तो उसका काम डिओड्रेंट से या एक और डिओड्रेंट नाम की एक चीज होती है, गूगल कर ले प्लीज, वो भी आपको मिल जाएंगे आई एम श्योर। अगर आप पाकिस्तान में देख रहे हैं तो 200 रुपए से ज्यादा नहीं है। प्लीज बाहर निकलने से पहले याद रखिए, पहने हुए मोजे दोबारा नहीं पहनने चाहिए, पूरी दुनिया को पता चल जाता है आपने क्या। और भाई बहुत सारे गार्मेंट्स हैं जो आप पहने में दोबारा पहनते हैं, प्लीज नहीं पहनने चाहिए। सिर्फ मोजे नहीं, जीन्स भी नहीं पहननी चाहिए, कुछ भी आपको पहना हुआ नहीं पहनना चाहिए यार। और कम से कम उसको एक दफा आप वॉशिंग मशीन में थोड़ा सा या गीला करके सुखाए, और अगर लंबा काम नहीं हो रहा है तो धूप में लटका दें, धूप में लटका दें, हाँ हवा लगने दें, हाँ यू नो दैट्स गुड इनफ। छोटी छोटी चीजें हैं, देखें या तो आपकी बदबू से जर्म्स मर जाएंगे, मतलब या तो आपके जर्म्स मर जाएंगे या फिर आपकी बदबू से हम मर जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती, और मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं भी मरना नहीं चाहता और बदबू से तो बिल्कुल नहीं मरना चाहते। बात खत्म, मुझे मेरी मौत याद आ गई है, बात खत्म, बाय बाय बाय।